वंदे मातरम दोस्तों, आपका वंदे मातरम में स्वागत है। आप देख रहे हैं, ये हैं तैमूर के पापा नवाब ऑफ पटौदी सैफ अली खान। जो खान साहब हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली एक मूवी आई है ताना जी, उसमें उदय भान सिंह राठौर का किरदार निभाया है। लोगों ने तारीफ़ की है कि किरदार अच्छा निभाया है, लेकिन असल ज़िंदगी में ज़रा इनके किरदार पर डालिए। इन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है अभी, और इन्होंने कहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, भारत, इंडिया का मतलब भारत, भारत क्या था। इन्होंने कहा अंग्रेज़ों से पहले भारत का कुछ था ही नहीं, और मुग़ल तो वैसे भी हिंदुस्तान के थे। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने इंटरव्यू में कहा, इन्होंने कहा मुग़ल तो वैसे भी हिंदुस्तानी थे, और शायद इसीलिए ये तैमूर के अब्बा हैं। इन्होंने अपना नाम, अपने लड़के का नाम तैमूर रखा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए। विकिपीडिया ना किसी हिंदू का है, ना किसी मुसलमान का है। आप जाइए और तैमूर के कुकृत्यों को ज़रा एक बार पढ़िए, और बताइएगा आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, क्या आप चाहेंगे आपका बेटा वैसा बने या फिर APJ अब्दुल कलाम जैसा बने। यह आपकी चॉइस है। ये बॉलीवुड एक्टर्स अपने को इतने बड़े ज्ञाता समझते हैं जैसे बहुत बड़े फिलोसफिकल ऑथर हों, ये बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज हो। इनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अगर आप देख लेंगे तो खुद ही आप चौंक जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो चाहे फिर सैफ अली खान हो। तो तैमूर के अब्बा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि भारत तो कुछ था ही नहीं। अब भारत नहीं था तो महाभारत कहाँ से हुआ? 5000 साल पहले जब महाभारत में भारत की बात आती है, पूरा हिंदुस्तान का त्रिवेंद्रम के राजा वो भी गए, उन्होंने ना कौरवों की तरफ से लड़ाई की ना पांडवों की तरफ से। उन्होंने कहा मैं न्यूट्रल रहूँगा, मैं खाना पीना देखूँगा, मैं भंडारा चलाऊँगा, दोनों सेनाओं के लिए खाना बनाया, सब शामिल हुए। एक तरह से दुनिया का पहला वर्ल्ड वॉर है वो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी साइंस की एप्लीकेशंस हुई जिन पे अपने में एक एटॉमिक वॉर था वो। कई जगह आप गूगल पे डालिएगा महाभारत एज एटॉमिक वॉर, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च मिलेगी। तो इन्होंने जो ये बात बोली है कि भारत तो है ही नहीं, भारत तो अंग्रेज़ लेके आए, और मुग़ल हिंदुस्तान के थे, अगर मुग़ल हिंदुस्तान के थे तो बाबरी मस्जिद भी रहनी चाहिए भैया, वो भी हिंदुस्तान की थी। तो आपसे ये अनुरोध है, आप पहले तो तैमूर के अब्बा ने जो तैमूर नाम रखा, इन्होंने कहा कि मैं हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर ये हिस्ट्री को जानते हैं तो फिर इन्होंने तैमूर नाम भी सोच समझ के रखा होगा। तो इनकी जो सोच है, सोच इंसान की उसके कर्मों से नज़र आती है। आप सोचिए, इन्होंने कहा कि मूवी में मुझे नहीं मालूम था ऐसा चेंज होगा, नहीं तो मैं मूवी नहीं करता, बाद में चेंज किया। मूवी में अगर ये कहा गया कि औरंगजेब काशी विश्वनाथ को तोड़ रहा है तो क्या गलत कहा गया? क्या ये फैक्ट है कि नहीं कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर आज है वो अपनी जगह पर नहीं है, जो ओरिजिनल मंदिर है वहाँ पे आपने मस्जिद बना रखी है? किसी राजनीतिक नेता में इतनी दम नहीं कि वो उसके लिए बोले? का ज्ञान व्यापी मस्जिद क्या है? और नहीं आपको पता है तो गूगल करिए। जन्मभूमि मस्जिद क्या है? नहीं पता तो गूगल करिए। आप बाबरी मस्जिद की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक इतिहास था, ख़त्म हो गया इतिहास। गलती सुधारी, और भी गलतियाँ आप सुधारें या ना सुधारें वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सैफ अली खान ने पहली शादी की थी अमृता सिंह से, और ये उनकी बिटिया है सारा अली खान। इनकी भी मूवी है केदारनाथ, वो भी आप ज़रूर देखिए और समझिएगा किस पर्सपेक्टिव में मूवी बनाई गई। और ये तो आप जानते ही हैं, करीना कपूर, और उनके साथ है ये तैमूर और सैफ अली खान। तो आपसे अनुरोध है, कृपया मीडिया की बातों में ना आए। आप सबके पास स्मार्टफोन है, जाइए ज़रा और तैमूर के बारे में थोड़ा पढ़िए, नहीं तो कहीं आप भी कुर्बान ना हो जाएं इन झूठी अफवाहों भरे इंटरव्यू से। जय हिंद, वंदे मातरम।